My name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to talk about how can you manage your time between your exam preparation, your practical and your school. So कई लोगों ने comment किया था कि दी हमारे practicals भी चल रहे हैं, उसका काम भी करना है, उसके लिए पढ़ना भी है, board exams के लिए भी पढ़ना है and हमारे schools भी खुल चुके हैं. So किस तरह से हम इन सब चीज़ों को manage कर सकते हैं? So इसीलिए मैं आज ये video बना रही हूँ. सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डाउटनेट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया है, जिसमें आप 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में. ऐसे ही आप 11th और 12th का भी अपना कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 5000 रुपीज़ में पूरा कर सकते हो. इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली होमवर्क्स, डाउट्स के सोल्यूशंस, टीचर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्विजेज एंड पूरा ही कोर्स आपको मिलने वाला है. एंड अगर आप स्टडी वेयरहाउस कूपन कोड यूज़ करते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ डिस्काउंट. सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो लुक, सबसे पहले स्टॉप थिंकिंग, या फिर आई शुड से स्टॉप ओवर थिंकिंग. हम बस सोचते हैं कि हमें करना है, हाँ हमें ये भी करना है, प्रैक्टिकल का काम भी है, इतना सारा है, उसके लिए पढ़ना भी है. आप ये सब सोच तो लोगे बट करते कुछ भी नहीं है. एंड आधे से ज़्यादा टाइम हमारा जो वेस्ट होता है ना, वो ये सोचने में ही वेस्ट हो जाता है कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, इससे बात भी करनी है, इसे ये बात बतानी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब हम सोचते रहते हैं अपने दिमाग में. एंड कुछ भी प्रोडक्टिव हम नहीं करते हैं. एंड हम करते भी क्या हैं, चैटिंग में लग जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो जो प्रोडक्टिव काम है हम उसे नहीं करते हैं, हम नॉन प्रोडक्टिव काम करते हैं. तो इसीलिए उतना ज़्यादा मत सोचो किसी भी काम के बारे में, जस्ट डू इट. तो उसके बाद लुक, 8 to 12 AM आपका अगर स्कूल है ना तो स्कूल जाओ. एंड अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो 4 to 5 तक उठ जाओ. एंड 4 to 5 जब आप उठ जाओगे तो 4 to 7 या फिर 7:30 तक आप आराम से पढ़ सकते हो. एंड अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो ना तो आपको 4 to 5 इसके बीच में तो डेफिनेटली आपको उठ जाना है, क्योंकि अगर आप 6 to 7 उठ रहे हो ना तो फिर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, यू आर अ नाइट पर्सन. क्योंकि आई एम अ नाइट पर्सन और इतने बजे मैं आराम से उठ जाती हूँ. हाँ जी, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि मेरी आदत नहीं इतनी जल्दी उठने की. तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो 4 to 5 आपको डेफिनेटली उठ जाना है. देन अगर आप नाइट पर्सन हो तो आपको 7:30 पे उठना है, लाइक 7:30 पे जल्दी से उठो एंड तैयार व्यार होके सीधे चले जाओ स्कूल को. उस टाइम पे आपको सुबह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नाइट पर्सन हो तो आपको रात को ही पढ़ना है. एंड अगर आप नाइट पर्सन हो तो 1 to 2 AM तक आप रात को जाग सकते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि नाइट पर्सन हो तो आराम से आप सुबह के 4 बजे तक उठ के पढ़ाई कर सकते हो. एक मैंने नॉर्मल दिया है कि हाँ 1 to 2 तक तो आपको पढ़ना ही है, बाकी आप 4 तक भी इसे एक्सटेंड कर सकते हो. उसके बाद लोग 1 पे जब आप घर आओगे तो आपको प्रैक्टिकल्स का काम करना है. एंड मैनेज कैसे करोगे आप टाइम, सबसे पहले तो आप 8 to 12 स्कूल पे होगे, ठीक है. जब आप स्कूल पे होगे तो अगर आपको कोई भी फ्री पीरियड मिल रहा है या फिर कोई ऐसा पीरियड है जहाँ पे टीचर कुछ पढ़ा नहीं रही है, तो उस टाइम पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है अपने फ्रेंड से गप्पे मारने में या ये सब, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम्स के बाद आप कर लेना. तो अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक ऐसा फ्रेंड ढूंढो जो कि आपकी पढ़ाई में हेल्प करे. आपको जो भी टॉपिक आता है ना उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना तो वही चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है. इसीलिए अगर आपको कोई टॉपिक आता है, आपकी फ्रेंड को नहीं आता है, उसे एक्सप्लेन करो. एंड अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है तो अपने फ्रेंड से पूछो, वो आपको एक्सप्लेन करेगा वो टॉपिक. तो इस तरह से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. स्कूल में भी जब आप होना वहाँ पर भी ढूंढोगे किस तरह से आप अपना टाइम वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हो. देन उसके बाद आप 1 तक घर पहुँचोगे, अपना खाना वाना चेंज एंड ऑल करना, तो 1 बजे तक वो हो जाएगा. 1 बजे से आपको स्टार्ट करना है अपना प्रैक्टिकल का काम, जिनके अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं. तो प्रैक्टिकल्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं तो ये जो काम आप करोगे ना प्रैक्टिकल्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहीं से आपके 30 मार्क्स डिसाइड होंगे. तो आपको प्रैक्टिकल का काम अपना कंप्लीट रखना है. इसीलिए अभी बोर्ड की पढ़ाई को आप थोड़े से 1-2 दिन के लिए हटा सकते हो एंड मेन फोकस अपना कर सकते हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पे. एंड अगर आपको टाइम मिलता है तब आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ सकते हो. लाइक अगर आपका पूरा प्रैक्टिकल का काम पहले से ही कंप्लीट है तो ऑब्वियसली आप आराम से 2 to 3 आवर्स निकाल सकते हो प्रैक्टिकल्स के बीच में भी अपने बोर्ड्स के लिए
पढ़ाई करने के लिए। एंड बाकी अगर आपने कुछ काम नहीं कर रखा है, आपको चार्ट एंड ऑल भी बनाने हैं, तो अभी मेन फोकस आप सिर्फ प्रैक्टिकल्स पे ही करो। सो अगर आप इस तरह से मैनेज करोगे ना, तो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। लाइक अगर आप वन से बैठते हो अपना प्रैक्टिकल करने के लिए, तो 5, 6, 7 तक बैठे रहो, अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है वेल एंड गुड, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद लाइक 10 to 12 दो घंटे पढ़ लिया, इतना इनफ है प्रैक्टिकल्स टाइम पे। एंड उसके बाद का जो टाइम टेबल आपका होना चाहिए, वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी जब प्रैक्टिकल्स हैं, तो आई थिंक यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। प्रैक्टिकल्स ख़त्म होने के बाद का टाइम टेबल मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।